स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यम प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुर्वेद के चिकित्सक जो है ना वो पहले हमारे भारत में ऐसा है कि पहले बीएमएस की डिग्री लेते हैं और फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो बीएमएस का जब डिग्री लेते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर हैं तो हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं संस्कृत में ये सारा चीज। तो फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एलोपैथी की भी पढ़ाई करते हैं और वो लोग फिर बाद में जनरल प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो आज मेरा जो ये लेक्चर है ना ये उन लोगों के लिए भी है जो बीएमएस का डिग्री लेके एलोपैथी की तरह आयुर्वेद को सोचते हैं, उनको भी ये काम आएगा। इस तरह से मैंने आज का लेक्चर जो है वो डिजाइन किया है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम लोग शेखर रस और आरोग्य वर्धनी वटी का विश्लेषण करेंगे क्योंकि ये जो दवाइयां है ना ये बहुत ही कॉमनेस्ट दवाइयां है और इसके बारे में और चर्चा होना चाहिए। और ऐसे तो मैंने YouTube पे बहुत सारे मतलब आयुष दर्पण पे पढ़ाया था, YouTube पे मेरे लेक्चर हैं, मैंने अलग अलग पढ़ाया और वो एकदम शास्त्रीय भाषा बोला सुशेखर रस आरोग्य वर्धनी बटी। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा ना वो एंजाइम्स और बाइल और पित्त और माइक्रोब्स वायरस बैक्टीरिया ये शब्दों को जोड़ जोड़ के ऐसे मैं बताऊंगा ताकि जो जो एलोपैथी के बीएमएस डॉक्टर है मतलब बीएमएस करके जो एलोपैथी करते हैं उनको भी ये समझ है कि मैं आज क्या बता रहा हूं। तो हम लोग जब आयुर्वेद का ये दोनों दवाई देखते हैं सुशेखर रस और आरोग्यवर्धिनी बटी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयां हैं दोनों और अपना वैद्य का या डॉक्टर का व्यवसाय चलाने के लिए इनका बहुत ज्यादा उपयोग पड़ता है। जो मॉडर्न साइंस है उनके सामने जब हम लोग जाते हैं मॉडर्न डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब हम लोग ये बताते हैं कि हमारा दवाई है आरोग्य वर्धनी बटी सुशेखर रस तो उनकी भाषा में समझाने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है उनके लैंग्वेज में क्योंकि वो लोग अगर देखेंगे तो पित्त के लिए वो प्रोटोन पंप इनिबिशन और फिर एंटासिड एंजाइम्स ये सब बात करते हैं, उनका साइंस में जो चीज है वो बात करते हैं या फिर हॉर्मोन्स एंजाइम्स ये सब बात करते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन एचसीएल ये सब बात करते हैं और आयुर्वेद में हम लोग पित्त की बात करते हैं। तो थोड़ा कोरिलेशन भी होना चाहिए कि उनको भी समझा पाए और हम अपना चिकित्सा भी सफल कर पाए क्योंकि आजकल क्या है अगर आप मतलब आयुर्वेद का चिकित्सा करना है लेकिन आपको थोड़ा जो पेशेंट भी आते हैं वो भी आप पूछते हैं कि आप कैसे काम करते हैं क्या काम करते हैं, आप बोलेंगे यकृत गामी है सारकिट विभाजन हो रहा है ऐसे शब्द करेंगे तो उन लोग को थोड़ा समझाने में कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा मॉडर्न की भी भाषा बोल के आयुर्वेद को वहां पे अच्छे से बताना है। तो अगर हम सुशेखर रस का दवाई देखते हैं तो सुशेखर रस जो है सबसे पहले सुशेखर रस जो है यह मार्केट में किस तरह से आता है तो इसको पित्त की दवाई ऐसा हम लोग मानते हैं। तो अगर हम लोग पित्त के सारे विकार देखें तो उसमें सुशेखर रस काम पड़ता है काम आता है और पित्त मतलब मॉडर्न साइंस में देखें तो बाइल ऐसा समझा जाता है और
आयुर्वेद में पित्त है उसके पांच टाइप बताए, तो आप लोगों को मालूम है कि पाचक पित्त, पाचक पित्त से ही सारे पित्त का पोषण होता है। पाचक पित्त कहाँ रहता है, तो अधोआमाशय में, ग्रहणी में रहता है, और उसी से फिर साधक पित्त होता है हृदय में, आलोचक पित्त होता है आंखों में, फिर भ्राजक पित्त होता है त्वचा में, रंजक पित्त होता है यकृत के पास रहता है, जो रस को कलर देता है और रक्त में कन्वर्ट करता है, रस रंजना, ऐसा हम लोग मानते हैं कि यकृत में रहता है, बहुत सारे आचार्य लोग ऐसा मानते हैं। और फिर और कौन सा हो गया, भ्राजक आलोचक, ये सारे पित्त होते हैं, और एक कोई तो और रह गया, वो अभी मैं बताऊंगा याद आने पे। तो पित्त के चार प्रकार तो हम लोग मानते हैं, पाचक, पाचक पित्त हो गया, आलोचक पित्त हो गया, भ्राजक पित्त हो गया, साधक पित्त हो गया, और कौन सा हो गया, एक रह रहे, मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग मुझे याद दिलाइए, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे याद दिलाइए, आप लोग ही बताइए कौन सा पित्त रह गया है मेरा। देखिए अनम्यूट कर पाते हैं, आलोचक आलोचक पित्त आलोचक आलोचक हो गया, तो सारे हो गए, सारे हो गए। हाँ सारे हो गए ना, ठीक है, तो पांचों जी आपने बता दिए। बराबर, तो पाचक पित्त जो है वो पचन करने का कार्य करता है, और पित्त में अंदर अंतर्भूत जो रहता है, मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है कि बाइल के अंदर एंजाइम्स रहते हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पूरा पाचक पित्त में ही हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, मॉडर्न साइंस बोलते हैं कि एंजाइम्स रहते हैं वो पचन का कार्य करते हैं, और हम लोग पित्त को गुणतः देखते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज देखते हैं, कर्मतः मतलब एक्शन के हिसाब से देखते हैं, तो हमें ऐसा समझ आता है कि शरीर में जो भी परिणमन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पित्त जो हमारा है दोष, वह सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आयुर्वेद में जब लिखा गया तो उस टाइम पे टेस्ट ट्यूब ऐसा कुछ नहीं था कि लैब में जा रहे हैं और टेस्ट ट्यूब में हम कुछ केमिकल डाल रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, और हम लोग चेक कर रहे हैं, उस टाइम पे जो भी चीज दिया गया वो सब ह्यूमन बॉडी पे दिया गया, तो उस टाइम पे और ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई मेडिसिन दिया गया, आजकल कैसे होता है कि ट्रायल होता है, पहले हम कोई चूहे को देते हैं, गिनी पिग को देते हैं, फिर बंदरों को देते हैं, फिर उसके बाद में परमिशन लेके फिर ह्यूमन ट्रायल होता है कोई भी मेडिसिन का, उसके बाद वो मेडिसिन देने के बाद उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, साइड इफेक्ट आ रहा है, उस पर रिसर्च होता है, उसका प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, डेटा दिखाना पड़ता है, तब वो मेडिसिन मार्केट में आती है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, वो लोग डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे ही देते थे, और जो तकलीफ हो रही है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उस पे वो लोग मेडिसिन ला देते थे, ठीक है। दूसरा बात अगर हम लोग देखें तो आयुर्वेद के टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था, और उस टाइम पे बैक्टीरिया वायरस ऐसे टर्मिनोलॉजी भी नहीं था, अगर जंतु थे तो थे, लेकिन उनको हम लोग भूत ग्रह ऐसा बोला जाता था, और हम लोग कृमि जो बोलते हैं, तो उस टाइम पे कृमि को हम लोग यहाँ पे पुरिशज कृमि, श्लेष्मज कृमि, रक्तज कृमि ऐसे बोलते हैं। आजकल के जमाने में हम लोग देखें तो राउंड वर्म्स, टेप वर्म, हेड वर्म्स, मैगोट्स ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो टर्मिनोलॉजी बदल गई है और सोचने का ढंग भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसी तरह से पहले के जमाने में हम लोग आम दोष बोलते थे कि इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल अगर पेट में रह गया, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम, मतलब उष्मा के अल्प बल के वजह से जो धातु अगर अपाचित रहे, वो भी आद्य धातु, मतलब जो आहार रस बन रहा है वो अपाचित रह रहा है, तो आम दोष की उत्पत्ति हो रही है। तो ये आज के जमाने में ये संकल्पना नहीं है, आज का जो मॉडर्न साइंस है वो कुछ अलग बोलता है, आयुर्वेद आम दोष को मानता है। उसी तरह से हम लोग जो बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जो हम एंटीबायोटिक्स का जो है एलोपैथी का, कि फोर जनरेशन के एंटीबायोटिक्स बनाए, पहले पेनिसिलिन के ग्रुप के बनाए, फिर उसके बाद में दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, उसके बाद में अभी है ही नहीं कोई और, तो अलग अलग जनरेशन के मेडिसिन यूज होते हैं, दुबई में जाएंगे मिडिल ईस्ट में तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, उन्होंने सेव करके रखा है कि फोर्थ जनरेशन का हम लोग जब टाइम आएगा तब हम लोग यूज करेंगे, इंडिया में सारे जीपीज है ना, जनरल प्रैक्टिशनर, वो फोर्थ जनरेशन के यूज करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जंतुघ्न ऐसा एंटीबायोटिक्स का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसी तरह से जब हम आयुर्वेद की तरफ देखते हैं तो सुशेखर रस और आरोग्य वर्धनी वटी ये एकदम सिद्ध औषधियां हैं, मतलब इनपे सिद्धि प्राप्त कर लिया है कि ये दवाइयां कुछ कुछ व्याधियों में देना ही पड़ता है, और देने से फायदा ही फायदा होता है, और वैद्य को रिजल्ट आता ही आता है। अब ये हम लोग देखें तो पारा और गंधक वाली जो दवाइयां हैं, पारा लिया, पारा को सिद्ध किया, शुद्ध किया, पहले अष्ट संस्कार किया, 18 संस्कार तो अलग चीज के लिए यूज होता था, अष्ट संस्कार किया,
शोधन मारण सब कर लिया तो, और फिर उसमें गंधक डाल के और शुद्ध गंधक डाल के कज्जली बना लिया, फिर उसके बाद में रस सिंदूर बनाया। तो जब चरकाचार्य जी का काल था तो उस टाइम पे ये रस कल्प जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मध्यकालीन जब भारत हुआ तब यहाँ पे मतलब रस शास्त्र ऐसा आया, उद्गम हुआ, और इन्होंने पारा और गंधक की सारी दवाइयां बनाई। क्योंकि ये पारा गंधक की दवाइयां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वैद्य लोग को, क्योंकि जब भी जब चरक के काल में तो था कि इतने सारे पूरे जंगल जंगल थे, वो लोग ऋषि मुनि थे सारे वैद्य लोग, वो बोलते थे कि जाओ मंजिष्ठा का वो स्वरस ले लो, उसका कल्क बना के खा लो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे विकास होता गया, पेड़ वगैरह कटते गए, तो जो चूर्ण बनाए, गुटिका बनाई जाने लगी, तो इनका टिकाऊपना मतलब पोटेंसी और टिक के रखना टिकाऊपना वो कम होने लगा। जब ये पारागंधक की दवाइयां बनाई जाने लगी तो वह टिकाऊ बनने लगी, मतलब उनका एक्सपायरी जो था वो ज्यादा दिन तक रहने लगा। तो इसीलिए रस कल्पों का मतलब इन्वेंशन हुआ कि अब रस कल्प बना के यूज करेंगे। दूसरा क्या है कि कज्जली और रस सिंदूर है ना, ये योगवाही है, मतलब कैटलाइज कैटलिस्ट ऐसे जो बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पुनर्नवा का यूज किया है कोई चीज में, तो जहां पे शोथ कम करना है हमें पुनर्नवा देके, वहां पे कज्जली युक्त तो हमने पुनर्नवा दिया तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि सूक्ष्म स्रोतोगामी है, योगवाही है, तो कैटलिस्ट का काम करके मेडिसिन का इफेक्ट को और वहां तक तो पहुंचा के और इफेक्ट बढ़ा देता है। इसलिए पारागंधक के कज्जली युक्त रस कल्पों का इन्वेंशन हुआ। उसी तरह से जब पारागंधक की दवाइयों का यूज होने लगा तो मेडिसिन का क्वांटिटी कम हो गया, क्योंकि पहले के जमाने में आप लोग देखेंगे तो चरक के पूरा चरक संहिता पढ़िए तो डोजेस क्या क्या बताए, उन्होंने बोला है कि शिलाजीत का सेवन करना है तो 7 तोला शिलाजीत का सेवन करना है, अगर आपको कोई मेडिसिन खाना है, च्यवनप्राश खाना है तो 50 ग्राम खाना है। तो लोग ज्यादा ज्यादा दवाई या उनका डोज कितना ज्यादा होता था चरक के काल में, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि छोटा दवाई और कम दवाई वो पोटेंसी भी रहे, इफेक्टिव भी रहे, और कम मात्रा में अल्प औषधि ज्यादा इफेक्टिव काम करे। तो जब पारागंधक की दवाइयां बनाने लगे तो उनका मतलब डोज कम हो गया, जो पेशेंट को लेने में सुविधा भी होने लगा, इसलिए रस कल्पों का इन्वेंशन हुआ। तो जब हम लोग ये जब बनाते गए वो लोग, तो सुशेखर रस और आरोग्यवर्धिनी बताया बनाया, जो दोनों रस कल्प हैं जिसमें पारा और गंधक है। उसी तरह से ये जो सिद्ध औषधि आई तो इनका प्रयोग क्या हुआ कि कुछ जब भारत पे बाहरी आक्रमण होने लगे, जैसे कि तुर्क लोग आए, टर्की से तुर्क लोग आए, फिर उसी तरह से अंग्रेज आए, मुगल आए, हूण आए, बहुत सारे लोगों ने अटैक किया, तो वो जब आते थे तो उनको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती थी, जैसे कि सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वो अपने साथ लेके आए। उसमें कौन सी दवाइयां काम करे जो बाहर से आई हैं दवाइयां, उसमें भी जब ये पारागंधक की दवाइयां, ये सुशेखर रस, आरोग्यवर्धिनी बट्टी, ऐसी दवाइयां, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी बट्टी कुष्ठ रोगाधिकार में बताया गया है, तो ऐसे जब दवाइयां दिया गया सिफिलिस गोनोरिया में तो ज्यादा इफेक्टिव हो गया। तो ऐसी बीमारियां जो नई आई हैं उसमें जब दिया गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा। जब हम लोग सुशेखर रस और आरोग्यवर्धिनी का बात करते हैं तो दोनों पारागंधक से बनाई हुई रसकल्प हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं तो जब ये दवाइयां हम बनाते हैं सुशेखर रस या आरोग्यवर्धिनी बट्टी बनाते हैं तो इनको कुछ स्वरस में घोटा जाता है, मतलब हम लोग यहाँ पे मर्दन संस्कार करते हैं, भावना देते हैं, जैसे कि सुशेखर रस में धतूरे के बीज का स्वरस की भावना दिया जाता है और आरोग्यवर्धिनी वटी में हम लोग नीम का स्वरस का भावना देते हैं। तो जितना घोटा जाता है, मर्दन संस्कार किया जाता है, संस्कारों ही गुणा अंतरादानम, संस्कार करने से गुणों में बहुत ज्यादा वृद्धि किया जाता है, तो उससे क्या हुआ कि औषधियां और सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने लगी, जितना मर्दन करेंगे उतना पावरफुल बनने लगी और सूक्ष्म होने लगी, जो जाके एक एक कैपिलरीज, एक एक सेल तक जाके अपना काम करने वाली ऐसी बनने लगी। अब यही हम लोग कोई स्वरस लेंगे, अदरक का स्वरस लेंगे तो वो उतना सेलुलर लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन जब रसकल्प देंगे तो वो जरूर जाएगा। और जैसे सब लिंगुअली लिया, जीभ के नीचे लिया, जीभ पे लिया, तो सुरक्षा रस का पूरा बॉडी पे इफेक्ट हो जाता है, मतलब इतना फास्ट एक्शन पारागंधक की दवाइयों का रहता है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया। चरक काल में भी कुछ दवाइयां यूज किए हैं, जैसे ताप्यादि लौह जो योगराज करके बताया है पांडु रोग में, तो उसमें 1 तोला इतना मात्रा में बोला है, क्योंकि उसमें खनिज द्रव्यों को भस्म करने का पद्धत नहीं था, तो
एक तोला तो बहुत ज्यादा मात्रा में बोला है योगराज, ताप्यादुलों को बहुत ज्यादा मात्रा में देने से पांडु रोग ठीक होता था। लेकिन बाद में जब रिसर्च किया गया तो जब ताप्यादि लौ बनाया गया तो लौ का भस्म बनाया गया, और लौ का भस्म बनाया गया तो वह कम मात्रा में भी, एक मतलब एक रत्ती या आधा रत्ती या 1/4 रत्ती भी ताप्यादि लौ दे दिया तो फायदा होने लगा। तो जैसे जैसे साइंस आगे आगे चलते गया, वैसे वैसे रिसर्चर्स होते गए, हमारे ऋषि मुनि वैद्य लोगों ने बहुत अच्छा रिसर्च किया और ऐसी दवाइयां बनाने लगे। उसी तरह से जब औषधीकरण किया गया तो एक साइंस और आ गया, होम्योपैथी का साइंस। होम्योपैथी का साइंस फॉरेन में था, उन्होंने कुछ और रिसर्च किया अपना, अपने ही प्लांट लेके, और उन्होंने अर्क बनाया और उसको बनाया। तो आयुर्वेद के लोग क्यों कम रहे, उन्होंने भी रस शास्त्र को और डेवलप किया। दूसरा है कि हमारे आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन जो रहता है उसको देने के लिए अनुपान का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, क्योंकि अनुपान की वजह से मेडिसिन की गुणवत्ता बढ़ती है। अनुपान मेडिसिन को पूरी तरह से फैला देता है, स्प्रेड कर देता है सभी जगह पे। तो इसीलिए अनुपान, अभी शेखर रस और आरोग्य वर्धनी बटी, मैंने पुणे में ऐसे वैद्य देखे हैं महाराष्ट्र में कि जो पूरा प्रैक्टिस एक आरोग्य वर्धनी बटी से सारी बीमारियां ठीक करते हैं, अनुपान बदल बदल के, या केवल एक सुरशेखर रस रहता है और सारी दवाइयां सभी बीमारियों पे करते हैं अनुपान बदल बदल के, और उनकी सुरशेखर रस की मात्रा भी कम रहती है, आरोग्य वर्धनी की मात्रा कम रहती है और सारी बीमारियां ठीक होती हैं। अब वो ये रहे, डायबिटीज भी रहे या फिर ज्वाइंट पेन रहे, फिर उदर रोग रहे, हर व्याधि को वो एक ही मेडिसिन का अनुपान बदल बदल के देते हैं। तो मतलब अनुपान का कितना बढ़िया इफेक्ट रहता है हमारे बॉडी पे, उसको भी हमें समझना और सोचना जरूरी है। जब हम लोग थेरोपेटिक एप्लीकेशन ऑफ सुरशेखर रस और आरोग्य वर्धनी बटी ये सोचते हैं तो हमें इसमें द्रव्य क्या है उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, और वो किस तरह से काम करती है, इनका थेरोपेटिक एप्लीकेशन किस तरह से करें, और इसमें क्या है फार्मेको डायनेमिक्स, क्या है इनका फार्मेको काइनेटिक्स, क्या है वो जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुरशेखर रस की, बाद में आरोग्य वर्धनी की बात करेंगे। आप लोग भी अपना अपना अनुभव और एक्सपीरियंस बताने वाले हैं, पहले मेरा खत्म हो जाएगा तब आप बताएंगे। तो सुरशेखर रस जो है ना, उसको हम लोग पित्त की दवाई ऐसा रूप समझ के हम लोग देते हैं, हमको यही पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में रस शास्त्र में कि पित्त की सबसे अच्छी दवाई है तो सुरशेखर रस है। बाजार में अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में तो स्वर्ण सुरशेखर ऐसा दवाई मिलता है, या बिना स्वर्ण का सादा सुरशेखर रस मिलता है, या लघु सुरशेखर रस, ऐसे 3 दवाइयां मिलते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्वर्ण सुरशेखर रस का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, और ओरिजिनल स्वर्ण सुरशेखर रस ही ज्यादा अच्छा रहता है, पोटेंट रहता है, ऐसा बताया जाता है। और दूसरा क्या है कि स्वर्ण सुरशेखर रस का पहले के जमाने में जो वैद्य यूज करते थे पाउडर फॉर्म में यूज करते थे, आजकल वो टैबलेट फॉर्म में यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो लेने में पैलेटेबल रहता है, इजीली लिया जाता है। पुना के वैद्य तो चूर्ण फॉर्म में भी यूज करते हैं सुरशेखर को, या टैबलेट फॉर्म में भी यूज करते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो इसका प्रमाण जो है वो आधा गुंजा से लेके 2 गुंजा तक, इतना बताया गया है ग्रंथ में। और आधा, 1 गुंजा मतलब कितना हो गया, 1 रत्ती मतलब 125 mg, 125 mg का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 60 62, उतना हाफ रत्ती से 2 रत्ती, इतना बताया गया स्वर्ण सुरशेखर या सुरशेखर का। अब दूसरा स्वर्ण सुरशेखर देखेंगे तो ये पारगंधक का द्रव्य है, और इसमें ऐसा कुछ वैद्य, कुछ ऐसे हम ग्रंथ देखेंगे तो उसमें भृंगराज रस की 1 भावना देने के लिए बोला है, कुछ वैद्य लोग 21 भावना देते हैं भृंगराज स्वर रस की। दूसरा इसमें देखेंगे तो स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण सुरशेखर रस के बारे में बोल रहा हूँ, स्वर्ण भस्म है, ताम्र भस्म है, शंख भस्म है, वत्सनाभ या बचनाग है, और धतूरा का बीज है, और इनको घोट के धतूरा के बीज का स्वरस डालते हैं, या फिर बीज डायरेक्ट डाल के पाउडर बना के ऐसे कूट के और डालते हैं, और भृंगराज रस की भावना दिया जाता है। इसके अलावा कुछ 9-10 सुगंधित द्रव्य भी डाले जाते हैं, जैसे दालचीनी है, तमालपत्र इत्यादि डाला जाता है। तो अब इसमें सुगंधित द्रव्य डालने के लिए क्या मतलब, पित्त के विकारों में सुगंधित द्रव्य जो रहते हैं पित्त को शमन करते हैं, ऐसा सोच के डाला गया है। इसी तरह से मुख्य तो 5 दवाइयां ही सुरशेखर रस में, स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, शंख भस्म, वत्सनाभ और धतूरा का बीज, यही 5 मुख्य है। अगर हम लोग सुरशेखर रस को देखें तो उसको किस किस व्याधियों में दिया जाता है, तो अम्ल पित्त में, या जिसको हम बोलेंगे एसिडिटी में, हाइपर एसिडिटी का जब भी बीमारी होता है
तो सुचेकर रस को दिया जाता है। उसी तरह से ज्वर में, फीवर में दिया जाता है, मूर्छा जब रहता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो उसको सुचेकर रस को हम लोग नस से देते हैं या सबलिंगुअली देते हैं, चाटन के रूप में देते हैं, तो फायदा होता है। इसी तरह से माइग्रेन का जब बीमारी होता है, अर्धाव भेदक, उसमें भी सुचेकर रस बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कामला व्याधि, जॉन्डिस, उसमें सुचेकर रस बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से जब आर्तव का क्षय होता है, मतलब जहां पे आर्तव अमेनोरिया या स्कैंटीमेंसेस हो रहे हैं, उसमें भी सुचेकर रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग जब रहता है, मतलब गर्भिणी का छर्दी होता है बहुत ज्यादा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, उसमें बहुत अच्छा सुचेकर रस काम करता है। इसी तरह से पित्त विकार होने के बाद जो हेडेक होता है, शिरशूल होता है, उसमें सुचेकर रस बहुत बढ़िया काम करता है। अगर बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, मूत्रदाह हो रहा है, तो सुचेकर रस बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसे बहुत सारे पित्त के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दाह हो रहा है, नेत्र दाह, फिर आंखों का जो बर्निंग होता है, दवतु हो रहा है, या पूरे बॉडी में बर्निंग हो रहा है, उसमें सुचेकर रस बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से जब हम पांच द्रव्य देखते हैं, स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, शंख भस्म, वज्रनाग और धतूरा का बीज, ये मुख्य पांच द्रव्य सुचेकर रस में होते हैं। तो इसमें स्वर्ण भस्म जो है वह बहुत ही सूक्ष्म ऐसा भस्मीकरण प्रक्रिया से आने के बाद ये आता है, और यह शरीर में मांस धातु जहां पर भी रहता है, मस्कुलर टिश्यू, अगर जहां पर भी वीक हो गया है बहुत ज्यादा, और मस्कुलर टिश्यू को बढ़ाना है हमको, तो वहां पे ताकत देने का काम स्वर्ण करता है। तो जैसे कि अब मांस धातु कहाँ पे कम हो गया है, जैसे हृदय का मांस बहुत कमजोर हो गया है, कार्डियक मसल्स कमजोर हो गए हैं, तो स्वर्ण सुचेकर रस देंगे, स्वर्ण युक्त वाला, तो हृदय के मसल्स को ताकत देता है। उसी तरह से मांस धातु का जहां क्षय हुआ है, वहां पे बहुत अच्छा स्वर्ण युक्त स्वर्ण सुचेकर का काम होता है। स्वर्ण का काम कैसे होता है, तो जहां पे क्षय रोग हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, हार्ट डिजीज हो गया है, पुराने से पुराना मांस धातु का क्षय हो गया है, वहां पे स्वर्ण का काम करने से ग्रहण करता है, मांस को बढ़ाता है, इसलिए स्वर्ण का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से जहां पे पल्स रेट बहुत कमजोर हो गया है, लो पल्स है, या फिर अपने स्नायुओं की शक्ति कमजोर हो गई, वहां पे हमें बढ़ाना है, ग्रहण करना है, टॉनिक देना है, तो वहां पे मांस धातु को ताकत देना है, या फिर पल्स रेट को अच्छा करना है, तो स्वर्ण सुचेकर, या लो बीपी है उसमें भी हम स्वर्ण सुचेकर देते हैं, या फिर हाई बीपी है उसमें भी स्वर्ण सुचेकर देते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। स्वर्ण सुचेकर में स्वर्ण ये प्रमुख द्रव्य है, और यह अम्ल पित्त में जब देते हैं, हाइपर एसिडिटी में जब देते हैं, तो पेट में जो अपने स्नायु हैं, या तो उसमें ये ताकत देता है, मतलब अपने स्टमक के अंदर जो मस्कुलरिस लेयर है उसको ये स्वर्ण जो है वो ताकत देता है, इसलिए स्वर्ण सुचेकर का बहुत ज्यादा महत्व है, और अम्लपित्त बहुत ठीक हो जाता है। उसी तरह से हृदय के जो स्नायु है वो अगर ज्वर में बहुत कमजोर हो गए, मतलब पल्स रेट बढ़ गया है, तो हृदय के स्नायुओं को बल देना है हमें, कार्डियक मसल्स को, तो उसमें स्वर्ण सुचेकर बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से सुचेकर रस में, स्वर्ण सुचेकर में ताम्र भस्म है, तो ताम्र भस्म का क्या काम है, तो ये लेखन का कार्य करता है, दीपन का कार्य करता है। लेखन का मतलब जैसे क्यूरेटिंग करते हैं, हरोते हैं, खरोचते हैं, इसी तरह से कोई पुराना जख्म को क्यूरेट किया, ऐसे खरोच खरोच के किया, तो वह जल्दी भर जाता है। तो सुचेखर रस में जो ताम्र भस्म है यह क्या करता है, जहां पर लेखन की जरूरत होती है, अब जैसे फैटी लीवर है वहां पे लेखन की जरूरत होती है, या फिर यकृत में जहां जख्म है वहां पे कुरेद देगा, जल्दी भर जाएगा, बॉडी उसको जल्दी रिकवर करेगा, इसीलिए ये लेखन द्रव्य डाला हुआ है कि वह जल्दी काम करे। और यकृत पे ताम्र का बहुत ज्यादा काम होता है कि वो उत्तेजना देता है, लीवर से जितना भी, मतलब जो लीवर के बाइल जो हम बोलेंगे, जो पाचक पित्त का स्त्राव है, वो अच्छा करता है। दूसरा ये दीपन का कार्य करता है, अग्नि को संदीप्त करता है, अग्नि मतलब पूरा शरीर में जो डाइजेशन करने का जो एक हमारा बहुत बड़ा पित्त दोष है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, वहां सिक्रीशन अच्छा करता है, मतलब यकृत से स्त्राव को अच्छा करता है, उत्तेजना देके अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, इसलिए ताम्र का प्रयोग करते हैं। ताम्र जो है ना ये पाचन द्रव्यों को प्रेरण रहता है, हम लोग कभी भी देखेंगे ना, ताम्र का काम है कि ये स्टिमुलेशन देता है, मतलब वहां पे एंजाइम्स जो बोलेंगे उनको प्रेरणा देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ताम्र का मतलब डाइजेशन में, लेखन में बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए इसको स्वर्ण सुचेकर में डाला हुआ है। स्वर्ण सुचेकर में ताम्र जो है महत्वपूर्ण दवाइयां है, और यह लेखन होने की वजह से
उत्तेजना भी देता है और पाचन की वजह से ये पित्त स्त्राव ये दोनों कार्य को अच्छा करता है, इसीलिए इसको स्वर्ण सुशेखर में ताम्र भस्म को डाला हुआ है। तीसरा है शंख भस्म। शंख को हम लोग लाइम बोलते हैं, जो कैल्शियम रहता है ना लाइम वह रहता है, तो यह लाइम जो रहता है ये अम्ल धर्मी रहता है, ठीक है अम्ल रहता है, तो ये क्या करता है कि जहां पर बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है, लाइम पूरा अम्ल नहीं होता है, मतलब वह ऐसा रहता है कि मैं यहाँ गड़बड़ा रहा हूँ, शंख भस्म जो रहता है वो अल्कलाइन रहता है, हम उसको लाइम बोलते हैं लेकिन वो अल्कलाइन रहता है, तो अम्ल पित्त में अम्लता जो बढ़ी है, एसिड जो पीएच एसिड की तरफ बढ़ा हुआ है, उसको जो शंख है वो अल्कलाइन होने की वजह से उसको बैलेंस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। उसी तरह से अम्ल पित्त में जब उल्टी आ रही है, छर्दी हो रहा है, तो शंख देने से वह उल्टी को कंट्रोल करता है, हाँ मतलब क्षारधर्मिता जो अम्ल पित्त है या फिर अम्ल धर्मी अम्ल पित्त है, दोनों के लिए ये शंख भस्म। और शंख खुद पार्थिव द्रव्य, एक एक चीज देखें तो अम्ल धर्मिता में बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में पित्त रहता है, द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, तो वहां पे जब हम पार्थिव द्रव्य शंख डालेंगे जो अल्कलाइन है वो पूरा पित्त को सोख लेता है, वहां पे जो द्रवता बढ़ी है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो अम्ल धर्मी अम्ल पित्त है उसको वो ठीक कर देता है। और जो क्षार धर्मी है, जैसे कि तीक्ष्णता बढ़ी है, उष्णता बढ़ी है, जहाँ पे हीट बढ़ा हुआ है वहां पे हीट को बैलेंस करने के लिए शंख भस्म का प्रयोग करते हैं, जो शीत विरियात्मक है, तो उसमें क्षार धर्मी अम्ल पित्त में भी ये काम करता है, तो इसलिए स्वर्ण सुशेखर में शंख भस्म का बहुत ज्यादा महत्व है। मैं जो भी बता रहा हूँ अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है मैं उसको फिर से बताऊंगा, आप लोग नोट डाउन करिए जो मैं बता रहा हूँ नहीं समझ आ रहा है। तो तीसरा है कि वत्सनाभ है, वचनाभ ये विष द्रव्य है, चौथा द्रव्य है, तो यह गोमूत्र में शुद्ध करते हैं उससे विष द्रव्य का जो विषारीपना है, टॉक्सिसिटी है, वो कम हो जाती है। तो पहले के जमाने में जब हम लोग बोलते थे कि आम विष है, आम जो है एक टॉक्सिन का काम कर रहा है, तो विष को विष ही नष्ट करता है, हम लोग पढ़ते हैं कि स्थावर विष को कौन नष्ट करता है, तो जंगम विष करता है, और हम लोग उदर व्याधि में भी पढ़े हैं कहीं कहीं कि विष का सेवन कराते हैं। अब आम विष एक टॉक्सिन है, वहां पे सूक्ष्मगामित्व चाहिए, विकासी वैवाही ऐसा द्रव्य चाहिए जो वहां पर जाए और पूरा फैल के पाचन का कार्य करे, इसीलिए यहाँ पर वत्सनाभ को प्रयोग किया गया है। वत्सनाभ जो है यह सुशेखर द्रव्य में डाला हुआ है मेडिसिन में, यह विषारी तत्व को कम कर देता है, एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम करता है, और आमाशय इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इस सब में जो विष जमा हो चुका है आम विष के रूप में उसको डिटॉक्सिफाई करता है, विष ही विष की दवाई है, एंटीडोट है, ऐसा समझ के जो वत्सनाभ है यह सुशेखर रस में डाला हुआ है। इसी तरह से पांचवा द्रव्य है धतूरा का बीज। धतूरा का बीज जो है वह उसमें एट्रोपिन जैसे कार्य होते हैं, और यह क्या करता है सिक्रीशंस को कम करता है, जो एट्रोपिन हम लोगों ने पढ़ा है मॉडर्न साइंस में वो सिक्रीशन को कम करता है, सिक्रीटरी पेन को कम करता है, इसलिए धतूरा का बीज डाला हुआ है। जो पित्त का द्रव गुण बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब पित्त का द्रव गुण बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा पित्त के विकार पूरे शरीर में फैलकर तकलीफ दे रहे हैं, तो एट्रोफिन जैसा जो द्रव्य है जो हमारा धतूरा का बीज है वह क्या करता है कि उसका सिक्रीशन को कम कर देता है, बैलेंस कर देता है, इसीलिए यहाँ पे धतूरा का बीज का प्रयोग किया गया है। ठीक है आप लोगों जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग फिर से पूछे मैं फिर से बताऊंगा। दूसरा है कि भृंगराज रस की भावना डालिए और सुगंधित द्रव्य डाले हुए हैं, यह अल्प प्रमाण में होने से कोई भी शरीर में नुकसान नहीं करते हैं, और यह सौम्य मतलब मेडिसिन को सौम्यता ला देते हैं, मतलब वह उसका मतलब उसका जो जैसे कि वत्सनाभ है बहुत उष्ण है, ताम्र है उष्ण है, तो उसको सौम्य करना बहुत जरूरी है, तो उसको सौम्य करने के लिए सुगंधित द्रव्य डाले हुए हैं जो शरीर को मतलब पॉजिटिव इफेक्ट दें, इसलिए सुगंधित द्रव्य और भृंगराज डाला हुआ है। दूसरा क्या है कि अनुपान के रूप से सुशेखर का अलग अलग रूप से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि भ्रम है पित्त का एक लक्षण बताया कि चक्कर आता है वर्टिगो होता है, तो उसमें दूध के साथ अगर स्वर्ण सुशेखर या शुद्ध शेखर या लघु सुशेखर दिया गया तो दूध के साथ देने से भ्रम वर्टिगो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर भय है और पाल्पिटेशन हो रहा है हार्ट में, घबराहट हो रही है, या अम्ल पित्त है तो आंवला के मुरब्बा के साथ, जिसको मोरावला बोलते हैं, आंवला के मुरब्बा के साथ सुशेखर रस स्वर्ण सुशेखर या लघु सुशेखर दिया तो हार्ट का पाल्पिटेशन और अम्ल पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर मूर्छा है, पेशेंट बेहोश हो गया है,
अदरक के रस के साथ इसका चाटन करा दिया जाए तो यह स्वर्ण सूचकर या सूचकर या लघु सूचकर पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से कामला व्याधि है, जॉन्डिस है, वो पित्त जन्य व्याधि है, उसमें बहुपित्त कामला या रुधपथ कामला ऐसा हमें दिखता है। तो दोनों में एरंड के पत्र का जो रस है, स्वरस है, उसके साथ अगर दे दिया जाए तो स्वर्ण सूचकर या सूचकर या लघु सूचकर या तीनों दवाइयां एरंड पत्र के अनुपान से बहुत बढ़िया काम करती हैं। इसी तरह से जब आर्तव क्षय हो गया दो तो जटामासी का चूर्ण 4 ग्राम मिक्स करके और दे दिया जाता है तो आर्तव क्षय का प्रॉब्लम ये ठीक कर देता है और वहां से आर्तव का सिक्रीशन को अच्छा कर देता है, एंडोमेट्रियम को लेयर को ये स्टिमुलेट करता है और आर्तव अच्छे से आने लगता है जटामांसी के चूर्ण के साथ। इसी तरह से शिराशूल है, अगर हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है तो सर्पगंधा 4 ग्राम के मात्रा में दे के दे दिया जाए तो यह वहां पे हेडेक को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से गर्भिणी छर्दी है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है तो जो मयूर पंख का राख रहता है, मयूर पिच्छा मशी, उसके साथ देने से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में स्वर्ण सूचकर या सूचकर या लघु सूचकर बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ज्वर है, फीवर आ रहा है तो उसमें गुड़ूची के काढ़ा के साथ अगर स्वर्ण सूचकर या सूचकर या लघु सूचकर दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। इस तरह से पित्त विकार में अलग अलग व्याधियों में अलग अलग मात्रा के हिसाब से, अलग अलग अनुपान के हिसाब से इसका प्रयोग करें तो हजारों हजारों लोगों को यह 80-90% इतना बढ़िया रिजल्ट देता है, 80-90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं हमारे। बाकी जो रहते हैं उनके लिए हमें और भी द्रव्यों का योजना करना पड़ता है, कुछ लक्षण के रूप में होते हैं, कुछ व्याधि के रूप में होते हैं, कुछ उपद्रव के रूप में होते हैं, तो वह हमें और देखना पड़ता है कि और क्या देना है, लेकिन 80-90% रिजल्ट आता ही आता है। इसी तरह से कभी कभी शोधन करके फिर इसका प्रयोग करें तो मैंने कहा ना 80-90%, 10% पेशेंट ठीक नहीं होंगे स्वर्ण सूचकर से या सूचकर या लघु सूचकर से, उनको हमें शोधन कराना पड़ता है, शोधन करा के फिर दे दिया तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अब आता है आरोग्य वर्धिनी बट्टी। आरोग्य वर्धिनी बट्टी जो है ये इसका नाम ही है, ये आरोग्य को वर्धन करता है, ये बहुत बढ़िया दवाई है और इसको 3 से 4 ग्रेन या आधा से 2 गुंजा मात्रा या फिर हम लोग बोलेंगे आधा मतलब आधा टेबलेट से 2 टेबलेट तक इसका प्रयोग करते हैं और इतना बढ़िया ये काम करता है। इसमें भी पारा और गंधक है, रसकल्प है और रसकल्प इसलिए डाला गया, कज्जली इसलिए डाला गया कि योगवाही गुण और टिकाऊपना बढ़ाने के लिए डाला गया है। इसमें 7 द्रव्य मुख्य रहते हैं आरोग्यवर्धिनी में, एक है लौह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, शिलाजतु, गुग्गुल, चित्रक और कुटकी, ये 7 द्रव्य। और इसमें पूरक के रूप में त्रिफला चूर्ण भी कभी कभी यूज किया जाता है और नीम का रस की भावना दिया जाता है, जो कड़वा नीम हो, कड़ू नीम बोलते हैं उसके रस की भावना देते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये आरोग्यवर्धिनी बट्टी को अगर देखें तो भेषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार जितने भी स्किन के बीमारियां हैं उसमें यह काम करता है। दूसरा आरोग्यवर्धिनी बट्टी है वो एनीमिया में जहां पर पांडु रोग है, सेकेंडरी एनीमिया या प्राइमरी एनीमिया, इस इन दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। पांडु रोग में तो ये जब देते हैं जहां पर भी खून की कमी है तो इसमें ताम्र भस्म है, अभ्रक भस्म है, लौह भस्म है, इसलिए यह खून की कमी का बीमारी जो पांडु रोग है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें ताम्र भस्म है और कुटकी है तो ये पित्त को अच्छे से सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेशन देती है, लीवर को स्टिमुलेंट का काम करती है। उसी तरह से ये सारकिट विभाजन को अच्छा करती है, कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से ठीक कर देती है। आरोग्यवर्धिनी बट्टी का प्रयोग करते टाइम आप लोग देखिएगा कुटकी है वो भेदन का कार्य करती है तो पेट अच्छे से साफ होने लगता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन का बीमारी क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आरोग्यवर्धिनी बट्टी का प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। अब हम देखेंगे तो इसमें 3 भस्म है, लौह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म। लौह भस्म है ये पांडु रोग के लिए बहुत बढ़िया है, उसी तरह से ताम्र अभ्रक मिला दिया तो और गुण उसका बढ़ जाता है। अभ्रक जिसको हम माइका बोलते हैं तो अभ्रक जो है वह भस्म रूप में अगर मिक्स कर दिया तो वह खुद ही वहां पे रीजनरेशन का कार्य, जहां पर भी सेल डेथ हो रही है वहां पे अभ्रक भस्म नया नया सेल बनाता है। उसी तरह से ताम्र भस्म जो है वह क्या करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है और जहां पर भी एंजाइम्स का सिक्रीशन करने वाले सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। अब वो डियोडिनम में हो,
इंटेस्टाइन में हो, लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होना जरूरी है, पैंक्रियाज हो उनको सिक्रीशन करना है, या फिर स्टमक में सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना है सेल्स को, तो वो ताम्रभस्म में बहुत अच्छा स्टिमुलेंट का काम करता है, खुद भी लेखन का कार्य करता है, लीवर के लिए टॉनिक भी रहता है। आरोग्यवर्धिनी बट्टी अगर देखें तो उसमें बाकी जो द्रव्य चित्रक है या जो भी नीम है वो कफग्न का कार्य करते हैं। तो यह जैसे सुचेखर रस पित्त का दवाई है, पित्त के बीमारियों में सुचेखर रस देते हैं, वैसे कफ की बीमारी में आरोग्यवर्धिनी बट्टी को देने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो उसका गुणधर्म है, आरोग्यवर्धिनी बट्टी कफ के विकारों में ज्यादा करती है, सुचेखर रस पित्त के विकारों में ज्यादा काम करती है, मतलब एक ऐसा कंक्लूजन निकाल के बताया गया है। उसी तरह से शिला जंतु जो है वो औषधि तो बहुत बहुत ही ताकत देती है, मूत्र मार्ग के सभी यूरिनरी सिस्टम में ये शक्तिवर्धक है, रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है, श्वास में जो अस्थमा रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा किडनी के बीमारी के वजह से वहां पे श्वास लग रहा है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, बस्ती के जितने मतलब पूरा यूरिनरी सिस्टम के जितने भी बीमारी है उसमें काम करता है, प्रमेह व्याधि में अच्छा काम करता है, मधुमेह में, डायबिटीज मेलिटस में सार्किट विभाजन अच्छा करता है, क्लेद को निकालता है, इसीलिए आरोग्यवर्धिनी बट्टी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें शिलाजंतु है, शिलाजंतु क्या है, क्लेद को निकाल के धातुओं को बल देता है, और जहां पे धातु शैथिल्यता आ गई है उनको ये ठीक करता है, त्वचा रोग में भी शिलाजंतु अच्छा काम करता है, इसलिए आरोग्यवर्धिनी बट्टी में डाला हुआ है। शिलाजंतु सारक है मतलब माइल्ड लैक्सेटिव है, इसलिए आरोग्यवर्धिनी बट्टी में डाला हुआ है। इन सब के वजह से आरोग्यवर्धिनी बट्टी में शिलाजंतु जो है, और ये पूरा जो किडनी की बीमारियां हैं जैसे नेफ्रॉन्स है उनको ताकत देना है, या फिर ये हाँ, लेकिन ये भी बोला जाता है कि रस कल्पों को ज्यादा हमें किडनी की बीमारी में नहीं देना है, क्योंकि तो पारा गंधक की शुद्धि नहीं हुई, ताम्र की शुद्धि नहीं हुई, लौह की नहीं हुई, तो वो किडनी में जाके टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, जो शुद्ध अच्छे से किया गया है पूरा अपने ग्रंथों के हिसाब से, तो वो आरोग्यवर्धिनी बट्टी देने से फायदा होता है, ये भी बोला गया। उसी तरह से गुगुल है आरोग्यवर्धिनी बट्टी में, तो यह क्या करता है कि यह नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से ताकत दे देता है, ये एक पेड़ का यह रहता है, गोंद रहता है गुगुल, और यह जिस तरह से पारा गंधक रहता है, पारा जो योगवाही रहता है कज्जली, उसी तरह से यह कैटलिस्ट एजेंट रहता है, इसलिए आरोग्यवर्धिनी बट्टी में डाला हुआ है, ये जितने भी और मेडिसिन है उनका गुणवत्ता को और बढ़ा देता है, और वहां तक सूक्ष्मगामित्व वह कर देता है। चित्रक भी डाला हुआ है तो वह त्वचा के रोगों में क्लेद को ठीक करके अग्नि को प्रदीप्त करता है, भ्राजक पित्त को अच्छा करता है, इसलिए चित्रक डाला हुआ है, जो और यकृत का उत्तेजना करता है, इसलिए चित्रक को इसमें आरोग्यवर्धिनी में डाला हुआ है। कुटकी जो है वह आरोग्यवर्धिनी में 50% कुटकी डाला हुआ है, तो ये कुटकी जो है पित्त का स्त्राव करता है, ज्वरग्न है, मल का भेदन करता है, इसलिए ये बहुत ही मूल्यवान औषधि आरोग्यवर्धिनी बट्टी में डाला हुआ है। तो ये सब अगर हम लोग देखते हैं आरोग्यवर्धिनी बट्टी को मलेरिया के बाद जो शरीर में कमजोरी आ जाती है, या किडनी डिजीजेज में, या फिर यकृत की क्रिया को अच्छा करने के लिए जहाँ पे एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर है, या फिर एनीमिया है उसमें बहुत अच्छा काम करता है आरोग्यवर्धिनी बट्टी। अगर पुराना से पुराना मलेरिया है तो तिक्त पंचक क्वाथ जो है उसके साथ में, जिसमें पांच पंच तिक्त क्वाथ उसके साथ में अगर आरोग्यवर्धिनी बट्टी दे तो पुराने से पुराना मलेरिया में काम करता है। इसी तरह से हम लोग वृक्क के बीमारी में चंद्र प्रभा बट्टी के साथ आरोग्यवर्धिनी बट्टी देते हैं, तो ये लीवर को स्टिमुलेट करके चंद्र प्रभा बट्टी के साथ ये लीवर को और किडनी को बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से यकृत विकारों में अगर हम लोगों ने आरोग्यवर्धिनी बट्टी को रोहित का रिष्ट दे दिया, या रोहित का घृत दे दिया, रोहित घृत के साथ दे दिया, तो बहुत अच्छा काम करता है। क्षय रोग में आरोग्यवर्धिनी बट्टी को स्वर्ण मालिनी वसन या स्वर्ण कल्पों के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा काम करता है। कुष्ठ रोग में अगर हम लोगों ने करवीर का मूल के साथ दे दिया तो बहुत अच्छा काम करता है। लीवर सेरोसिस के वजह से अगर उदर में पानी हो गया है बहुत ज्यादा, मतलब एसाइटिस हो गया, जलोदर हो गया, तो कड़ु इंद्रावण जो रहता है उसके काढ़ा के साथ अगर आरोग्यवर्धिनी बट्टी, या फल त्रिक्वात के साथ दे दिया, फल त्रिक्वात में एक कड़ु इंद्रावण भी आया है उसके साथ दे दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है। या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बद्ध कोष्ठता पुराना से पुराना है, तो स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण और आरोग्यवर्धिनी बट्टी देने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर स्वतंत्र पांडु रोग है तो उसमें एक कफ के लक्षण, मतलब पांडु रोग में नख सफेद होना, मतलब सफेदी बहुत ज्यादा होना, नाखून सफेद सफेद दिखाई देते हैं पांडु रोग में, एनीमिया में,
उसमें भी या स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है बॉडी में, या भूख नहीं लगना, उसमें आरोग्य वर्धनी बट्टी पांडु में बहुत अच्छा काम करते हैं, जहाँ पे नाखून पूरा सफेद सफेद दिखाई दे, व्हाइटिश दिखाई, पेल दिखाई देते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो स्वर्ण सुशेखर और आरोग्य वर्धनी बट्टी ये दोनों दवाइयां युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से आयुर्वेद के वैद्यों के लिए, भले वो BMS डॉक्टर GP कर रहे हैं या फिर आयुर्वेद शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, दोनों के लिए वरदान सिद्ध है और बहुत अच्छा काम करता है। और ये हम लोग जब देखते हैं तो ये कितने देर में काम करता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, इस पर हमें पेशेंट टू पेशेंट रिजल्ट मिलता है। जैसे कुछ कुछ लोग रहते हैं जो क्रॉनिक बीमारियों से रहते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, कुछ लोगों को जल्दी काम होता है, तो वह हमें औषधि को युक्ति पूर्वक देने से पता चलता है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग डिस्कस करते हैं। कृपया आप लोग कुछ अपना अपना मत बोलना चाहते हैं। शशि मैम, आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सुशेखर पे, आरोग्य वर्धनी पे? आदित्य सर, जी सर, नहीं जी सर, सर, प्रणाम सर, आपने बहुत अच्छा बनाया। मैम मैम आप बोल लीजिए। नहीं सर, बोलो आप प्लीज। नहीं, मेरा को कुछ खास नहीं बोलना, मैम वही बहुत अच्छा बताया सर, बहुत अच्छा। आप चलते फिरते आयुर्वेद। जी हाँ जी सर, सर बहुत अच्छा लेक्चर था। और अब मतलब जैसे कई बार अगर फ्री होकर सुनो तो लगता है ना कि 7 बजे का लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना, और क्योंकि हम लोग कुछ कुछ चीजें कुछ जगह इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ जगह नहीं इस्तेमाल करते रहते हैं, या कई बार अनुपान दिमाग से हट जाता है। तो जब आपने पढ़ाया तो बहुत अच्छा कि किसे फर्निशिंग पूरी और अच्छे से हो जाती है। और मैंने तो शुरू में भी बताया था कि मेरी शुरुआत से ही आरोग्य वर्धनी ड्रग चॉइस रहती थी, और एसिडिटी में जब मुझे ज्यादा नहीं आता था शुरुआत में, क्योंकि मैंने भी एलोपैथी किया है, तो मैं जब अपने सेंटर पर आयुर्वेद करना शुरू किया था तो मैं एसिडिटी का पेशेंट आया तो स्वर्ण सुशेखर चला देती थी। अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसको सुशेखर वगैरह चलाती थी, और डाइट के जो चेंजेस करने रहते थे। बट आरोग्य वर्धनी तो मैं देती थी, तो मुझे इतना भी नहीं पता था किस ब्रांड की अच्छी है किस ब्रांड की नहीं है। मेजोरिटी बैद्यनाथ वगैरह के उस टाइम दवाएं ही ज्यादा मिल पाती थी, बट अच्छे रिजल्ट थे। तो आरोग्य वर्धनी तो एक तरीके से जो इसका नाम ही है कि आरोग्य का वर्धन करने वाली, या इसको बोलते हैं कि आप हर डिसीज में दे सकते हो। तो बड़े आराम से मैं देती थी। हाँ, ख्याल में ज्यादा रखती थी, जैसे मैं 15 डेज देने के बाद 1 वीक का ब्रेक कर देती थी, जबकि ADF से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि 14 2 डेज तक लगातार दे सकते हैं, बट मैं शुरुआत में सर इसको 15 डेज ही लगातार देती थी, और 1 वीक का गैप दे करके फिर से देती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता था कि ताम्रभस्म है, थोड़ी सी इस तरह की प्रिपरेशन है तो ख्याल रखना चाहिए। तो वाकई बहुत अच्छी मेडिसिन है, मतलब जिसको कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस है। किसी किसी का अपना पेट होता है, जैसे आज की डेट में मेरे लिए गुड़ुची है कि मैं गुड़ुची किसी को भी गुड़ुची सोरस वगैरह, क्योंकि गुड़ुची सत्तू वगैरह तो मार्केट में अच्छा मिलता नहीं है, तो गुड़ुची घनवट्टी जिनको कुछ भी नहीं मिलता उनके लिए, अदरवाइज गुड़ुची बहुत अच्छा काम करती है। या मेरे को एरंड पर बहुत एतबार रहता है, उसी तरीके से आरोग्य वर्धनी और हमारा सुशेखर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सर। जी सर, थैंक यू सर, और आपने सर बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत और अच्छा मैं लगा। जो पढ़ाया हूँ ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आयुर्वेद का बुक है, जो 1953 में जो वैद्य लोग थे, जब देश आजाद हुआ था तब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसके ओके, उन्होंने एक लेख लिखा था, वहां से मैंने ये लाया है कलेक्शन। आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं ये लेक्चर होने के बाद PDF दूंगा, तो वो जी आप लोग रखिए प्रिंट निकाल के और आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये काम आता है। अब 1953 में सोचिए वो टाइम पे लोग कैसे प्रैक्टिस करते होंगे, मतलब अंग्रेजों ने कितना बंधन डाला होगा, तभी लोग आयुर्वेद का प्रैक्टिस करते थे। आज हाँ बोलते हैं सर, कोर्ट ने हमें बैन कर दिया है कि कम सैलरी मिलेंगे, आज लोग रो रहे हैं, उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था तब भी लोग करते थे, सोचिए। हाँ, आरोग्य वर्धनी के साथ तो एक बार ऐसा भी हुआ था ना कि कुछ वैद्य लोग इसका नाम और चेंज कर रहे थे, तो आरोग्य वर्ध वर्धनी कर रहे थे, फिर बाद में हुआ था कि नहीं, आरोग्य वर्धनी ही सही नाम है। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो मुझे भी इसकी पता है, बट वाकई बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अगर अच्छी तरीके से बनी हो, मतलब कि क्योंकि रोष औषधियां पड़ी हैं, जैसे भस्म पड़ी खास करके, सॉरी ताम्रभस्म पड़ा है, तो जब तक ताम्रभस्म का जितना शोधन मारण अच्छा हुआ रहेगा उतना बढ़िया काम करेगी, और फिर हमें डाउट भी नहीं रहेगा दिमाग में कि कुछ तकलीफ देगी। हालांकि मैं धूप की यूज करती हूँ, जहां पर भी भस्म पड़ी होती हैं, मेरी आदत रही है, ये थोड़ा सा तो मैं ख्याल रखती हूँ। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो आप लोग PDF चाहते हैं ना ये हाँ बुक का जो मैं पढ़ाया हूँ, तो जी, हाँ जी सर, आप लोग जुड़े रहिए यहाँ पे हमारे ग्रुप से, सभी को PDF मिलेगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ कुछ सर छुपाता नहीं हूँ। जी हाँ सर, बोलिए। मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। नमस्ते सर। हाँ जी सर, बोलिए। ये सुशेखर रस ताम्रभस्म है तो सर फिर हम प्रेगनेंसी में भी दे देते हैं तो इट्स ओके हाँ ना, इफेक्ट नहीं हाँ तो होगा? इसकी मात्रा कितनी कम होती है? हाँ, मतलब 125 मिलीग्राम देती हूँ।
125 मिलीग्राम तो पूरा शुद्धशेखर रस हो गया, उसमें ताम्र कितना कम होता है, नैनो हाँ का चलता है, दिया जाता है सर, ये गोल गर्भनी ब्लैडर स्टोन के लिए भी फिर ये होगा ना फायदेमंद? सभी के लिए बोला है, गर्भनी छर्दी में इंडिकेशन है, देना चाहिए। सर ताम्र भस्म क्या ताम्र नुकसान करता है, टेरिटोरियल से क्या भस्म करता अगर सर ज्यादा देते हैं ना तो वो वामक है, उल्टी लाता है, अगर आपने है? एक हाँ चम्मच ताम्र भस्म खाया ना उल्टी आने लगेगी आपको। लेकिन सर टेराटोजेनेटिक तो ऐसा नहीं होगा हाँ लेकिन कि डोज मतलब डोज कितना होना चाहिए, डोज कितना होना चाहिए। हल्दी भी आपने, सर। हल्दी आपने 50 ग्राम खा लिया तो उल्टी आएगी, वो वमनोपग है, डोज कम। सर और उस दिन आपने वो शिरशूल का लेक्चर लिया था, आपने बोला ना लघु सूत्र शेखर दीजिए। हाँ हाँ हेलो सर, हाँ जी, माधुरी मैम। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए मैम। हाँ सुनाई। हाँ सर, उस दिन है ना आपने वो शिरशूल का लेक्चर लिया था ना, आपने बोला लघु हाँ सूचक और सूट हाँ शेखर रस नहीं देना चाहिए सर। वो कौन सी अवस्था में नहीं देना चाहिए सर? वो उसमें विष द्रव्य है। अच्छा नहीं वो कितना मात्रा में, मात्रा वो सूचेकर है, इन्होंने 10 गोली बोला था ना शायद, वो सर, दस प्रणाम गोली सर। सर इसी में मुझे कुछ बोलना था, इसी चीज हाँ में सर। हाँ आपने एक्चुअली में इसमें जब बात चल रही थी तो उनको पित्त शिरशूल था, तो वहां पे वैद्य जी ने ये हाँ बोला कि इसमें धतूरे का बीज होता है, इसलिए हम केवल 100 में चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम लघु सूचेकर दे रहे हैं सर। इसीलिए मुझे कंफ्यूजन में, मुझे भी इसे पूछना था कि हाँ तो हम मिस। मात्रा, मात्रा मैंने ये भी बोला था, मात्रा कम में दे सकते हैं, ज्यादा मात्रा नहीं देना है, ये मैंने बोला था। धतूरा का ओके पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब उत्सु चेकर कुछ 10 11 ऐसे बोला था, इसलिए लघु सूचेकर तो सौ में पित्त शिरशूल में भी दे सकते हैं ना सर देना ही फिर? इंडिकेशन है, लेकिन हम कितना मात्रा में दे रहे हैं सूचेकर। ओके ओके इसका मैं एक थैंक एग्जांपल बताता हूँ, सूचेकर रस का एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था ना तो हमारे कुछ सीनियर थे, तो मैं इंटर्नशिप नहीं, मैं थर्ड BMS में था, तो उस टाइम पे कुछ सीनियर थे जिनको एग्जाम वगैरह का टेंशन था, रात रात भर पढ़ते थे, तो ये एसिडिटी की दवाई है, तो उन्होंने क्या किया, रात भर जाग रहे हैं, बहुत रातों से जागे हैं, बहुत ज्यादा पित्त का तकलीफ हो रहा है, तो उसने क्या किया कि कुछ 15 सूचेकर रस खा लिया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको इतना एसिडिटी हुआ, बाद में उसको घबराहट होने लगी और बेहोश हो गया। फिर यहाँ पे पुणे में सूर्या हॉस्पिटल है, वहां ले गए ICU में, तो पता चला पूरा स्कैन वगैरह करके कि उसके हार्ट में रक्तवाहिनी फट गई है, तो फिर पूछा गया क्या खाया, तो सूचेकर रस, तो उसमें वो टॉक्सिसिटी हुआ था, मतलब रक्तवाहिनी हार्ट की फट गई थी पूरा, फिर बाद में उसको ठीक कर दिया गया। अब 15 गोली को इस सूचेकर खाएगा पित्त के लिए, तो वो तो मतलब नुकसान ही करेगा ना, ये बता रहा। सर इसकी 2 BD मैक्स होती है ना सर, जनरली हाँ अडल्ट में? मैक्स 2 BD, हाँ अगर 15 खाएंगे कि पित्त ठीक करना है, तो इसीलिए ना वहां पे वमन कराना चाहिए या शोधन विरेचन कराना चाहिए, इसलिए मैंने बोला ये दवाइयां गर्म है ना, भले पित्त को शमन करते हैं, लेकिन ये कोई भी चीज को ज्यादा क्यों देना है। सर अगर लंबे समय तक हमें देना है शिरशूल के लिए, तो फिर क्या लघु सूचेकर ज्यादा प्रिफर करें उस केस में? लंबे टर्म के लिए देना है तो 42 डेज रसकल्प देके फिर ब्रेक करना चाहिए, फिर 42 डेज देके फिर ब्रेक करना चाहिए, उस टाइम पे जो ब्रेक है उसमें कुछ और दवाई दीजिए, जैसे प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, गुलकंद, ऐसे कुछ तो सर दूसरे, लघु सूचेकर इसके कंपैरिजन में कब प्रिफर करना चाहिए? वो इसके कंपैरिजन में मतलब सौम्य है इसके, लेकिन वो लघु है तो कम पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये सामपित्त में आम का पचन कर देता है। ओके तो हाँ मतलब सर वो आपके पास अगर ऐसा अम्लपित्त का पेशेंट आया है और उसको भूख ही नहीं लग रही है, भूख भी बढ़ाना है, हमें दीपन पाचन भी करना है, तो सूचेकर रस दिया जाता है। हाँ और निरामावस्था रहे तो कामदुधा देते हैं, जहां पे आम नहीं है कामदुधा देते हैं या लघु सूचेकर देते हैं, जहां पे निराम पित्त है, मतलब केवल पित्त हो रहा है लेकिन भूख लग रही है अच्छे से। सर पूरी बॉडी में अगर हीट है और निराम है तो हम लघु सूचेकर हम बराबर हाँ वहां पे जैसे दाहा वगैरह हो रहा है तो लघु सूचेकर, क्योंकि उसमें गैरिक है ना, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। पूछिए और पूछिए, आप लोग कितने अच्छे वैद्य लोग हेलो। हैं। हाँ हाँ जी जी प्रणाम सर। सर बहुत हाँ अच्छा आपने बताया आज। सर मेरा थोड़ा सा डाउट था आरोग्य वर्धिनी वटी को लेके। हाँ सर जैसे जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जैसे रीनल फेलियर के आते हैं हमारे पास, या हाँ कार्डियक पेशेंट्स आते हैं जिसमें जैसे हार्ट एफिशिएंसी 10-15% है सर, तो हाँ क्या ऐसे केस में हमें आरोग्य वर्धिनी देनी चाहिए या नहीं देनी ताम्र की वजह चाहिए, से?
अगर वो शुद्ध है, आपको किसी ब्रांड पे बहुत विश्वास है तो देनी चाहिए, ऐसा बोला है कि ये किडनी तो और सर ऐसे केस में अनुपान कैसे रहेगा, मतलब अगर जैसे अभी किडनी का अभी जैसे पेशेंट है किडनी या पे भी आपको काम करना है तो पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवासव, पुनर्नवाष्टक, इस पे काम करना है। हार्ट पे काम करना है तो अर्जुना रिष्ट, अर्जुन शीर पाक के साथ दीजिए। आपको लीवर पे काम करना है तो आप फल त्रिकादि क्वाथ के साथ दीजिए। एक सर आप बहुत सारे लेक्चर्स में आपका अक्सर सुना है कि जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी दूध के साथ बताते हैं सर, वो किस कंडीशन में है? वो हर मतलब व्याधि में उसका मेन अनुपान दूध है, आरोग्यवर्धिनी वटी का। ठीक है सर। तो दूध में, और एक आप वो पित्त सर वो के काल पोषण में जो तत्व ये नीम क्या के कर रही है पत्ते के सर दूध साथ, के साथ? एक नीम के पत्ते के साथ भी सर कुछ इसका नहीं, बताते हैं वो कि तो पाठ। वजन बढ़ाना होता है ना, तो हमारे सर बताते हैं कि स्वर्ण मालिनी वसंत को सुबह एक गोली, शाम को एक गोली स्वर्ण मालिनी वसंत देना है, और पित्त का काल जो 10 से 2 का टाइम रहता है दिन का, उसमें नीम का पत्ते का रस या नीम का पत्ता खाने के लिए दीजिए, तो वजन पटापट पटापट बढ़ता है, ऐसा सर बताते हैं और रिजल्ट आता है। सर क्या है और उसके क्या कारण है सर ऐसे होने थैंक यू का? सर। एक क्या रहता है सूतशेखर रस जो कि है, मतलब ये हर कंडीशन में जो ये सूतशेखर रस अगर हम किसी मिनिमम डोज में हम दे रहे हैं, जैसे हम सपोज एक ही टेबलेट लगा रहे हैं उसके साथ कई चीजें अनुपान चेंज कर करके दे रहे हैं, तो ये सेफेस्ट मेडिसिन है? क्योंकि मतलब पित्त का वेग तो ऑलमोस्ट रहता ही है सर, जैसे संग्रहणी के मोस्टली पेशेंट आते ही पेट से सारे जितने रोग है, मतलब मंद अग्नि है ये रहता ही है, तो सर ये सेफ है मतलब देने के लिए जी अगर कुछ सेफ है प्रेगनेंसी अगर में भी डोज है के या कुछ हिसाब भी? से दे रहे हैं। हाँ जी सर, डोज मतलब कम से कम जैसे रखें इसकी। हाँ, और ये हमेशा ठीक सोचें कि ये रसकल्प है, इसको ज्यादा जी नहीं सर, देना, रसकल्प है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। रसकल्प बनाने का इसलिए बनाया गया कि कम मात्रा में ज्यादा इफेक्ट करे, इसलिए रसकल्प बनाया गया। सर 5 इयर्स चाइल्ड को कितनी डोज होगी सर सूतशेखर की? उसमें हमारे आयुर्वेद में काश्यप से मैंने कोल मात्रा, करकंदू मात्रा, या फिर मसूर का दाल होते हैं उतना मात्रा है, ऐसे बहुत कम कम मात्रा में दे सकते हैं, या तिल की मात्रा में, एक तिल कितना होता है उतना मात्रा में भी दिया तो फायदा करेगा। सर कुष्ठ के साथ आपने किसको बताया था इसका जो आरोग्यवर्धिनी था, कुष्ठ के साथ अनुपान सर एक बार बता दीजिए। कुष्ठ के लिए तो हम लोग दूध तो कुछ लोगों का जो भैंस का दूध होता है वह नुकसान करता है, महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ बताया है सब जगह, महामंजिष्ठादि क्वाथ, ठीक है, करवीर मूल बताया था सर। करवीर मूल बोला है ये बुक में। मैं जो बताया हूं ना, ये 1953 का 18 फरवरी का ये एक सभा हुआ था, तो उसका ये है पूरा लेक्चर का, ये पूरा लिखा हुआ है, तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप लोग पढ़िए। 1953 उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू थे। सर हाँ दूध किसके, दूध से देने से क्या फायदा होता है दूध के साथ देने पे सर, एक बार दूध फिर के, से बताएं। क्योंकि इसमें कुटकी है, नीम है, तो उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा कि दूध के साथ ही क्यों देना है आरोग्यवर्धन बटी, मैं और कुछ सर इसमें अगर दूध के साथ दे रहे हैं तो खाने के कितनी देर बाद दें, क्योंकि खाना कई बार एसिडिक और नमकीन वगैरह भी होता है, तो हाँ, एक तो घंटे बाद तुरंत ऐसा नहीं क्या देना है? है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बाद देना है। अच्छा 2 घंटे, एक दो हाँ घंटे बाद दे सकते। ओके सर, थैंक यू सर। ऐसे भी खाना खाने के बाद तुरंत कहाँ दवाई खाया जाता है, थोड़ा हाँ हाँ सर तो ब्रेक चाहिए। जी। हाँ रश्मि मैम बोलिए। प्रणाम सर, हम इसको आरोग्यवर्धिनी वटी को आमवात के केस में दूध के साथ देना चाहिए खाने के बाद या प्लेन अगर आप पानी? गाय का दूध दे रहे हैं, बकरी का दूध दे रहे हैं, तो आप दे सकती हैं दूध के साथ, अगर आप भैंस के दूध के साथ दे रहे हैं तो नहीं देना चाहिए, उससे और आम आम बढ़ेगा, वात बढ़ेगा, सर सिर्फ पानी से दे दे, गर्म पानी से तो? तो दे दीजिए ना। और महारसनादि क्वाथ के साथ दीजिए, दशमलारिष्ट के साथ दीजिए, दीजिए ना आप। जी सर। और सर डायबिटिक पेशेंट है, सपोज एक मेरा पेशेंट ही चल रहा है वो। तो आप उन कृश प्रमेही है कि स्थूल प्रमेही है, बलवान प्रमेही है कि दुर्बल प्रमेही है? और ओल्ड एज है, 76 एज है उनकी, और उस दिन मैं वैतरणवस्थी के लिए भी पूछना चाह रही थी बट वो टाइम ओवर हो गया। सर उन्हीं को ही है, मुझे थोड़ा सा भी आम की कंडीशन है, तो अभी आरोग्यवर्धिनी वटी मुझे उनको देनी थी तो मैंने कहा तो एक। आरोग्यवर्धिनी वट्टी में इतना मतलब हमारे सर ने हमें बताया है कि कभी 5-5 गोलियां भी दे सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। सर स्थूल में किसके साथ होगा और इसमें जो क्रश है उसमें किसके साथ क्या अनुपान होगा प्रमेय में? प्रमेह में तो बहुत सारी दवाइयां हैं ना, कड़वे कड़वे काढ़े हैं, जैसे गुड़ुची के साथ दे सकते हैं, गुड़मार के अनुपान के, लेकिन वो ले पेशेंट ले पाएगा का गुड़मार का काढ़ा? नहीं ले पाएगा, तो इसलिए दूध के साथ ही ज्यादातर दिया जाता है। और इसके साथ में वसंत कुसुमाकर रस, चंद्र प्रभावटी,
वंग भस्म ये सब के साथ देते हैं। पहले के जमाने में लोग काढ़ा पीते थे, आजकल नहीं पीते हैं ना, तो पैलेटेबिलिटी भी देखना है, पेशेंट कितना ले पाएगा। और हम बोले कोई भी बोलेंगे तो वो बोलेंगे हम ग्लिमिप्रेड मेटफॉर्मिन ले लेंगे, सर आपका भी गुड़मार काढ़ा का कौन खाएंगे। सा पंचांग होता है सर इसमें यूज होता है? गुड़मार का गुड़मार के पत्ते का ही यूज होता है ना ज्यादातर जी। तकदीर जी आप क्या बोलना चाहते हैं? तकदीर सिंह जी, तकदीर जी कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो हाँ हेलो बोलिए बोलिए सर बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैं जैसे सर हम आरोग्यवर्धिनी बनाते हैं तो सर उसमें हम गाय के दूध और बकरी के दूध की भावना दे देते हैं। हेलो अच्छा हाँ हाँ बोलिए 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 हेलो बोलिए। असल में दूध देने का मैं एक लेक्चर में और बताऊंगा, लेकिन आरोग्यवर्धिनी सर, बटी जो है ना उसमें कुटकी जैसे है। हम आरोग्यवर्धिनी बनाते हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर। उसमें ना नहीं सर, रुक्षता बहुत ज्यादा मैं होती है, क्योंकि गूगल वगैरह डाला हुआ है ना तो लेखन का कार्य करता है, तो ये रुक्षता को सर हम बैलेंस करना भी भावना जरूरी जो होती है वो है। हाँ इसलिए दूध डाला जाता है, दूध का अनुपान। ठीक है तकदीर जी आपका आवाज नहीं आ रहा। हम भाव हाँ बोलिए बोलिए सर। तकदीर सिंह जी का आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है। शशि मैम आपको आ रहा है? नहीं सर, वो नेटवर्क इश्यू होगा मुझे लगता है। चैट और विकास सर वो पूछ रहे थे ना कि सर पेशेंट मैं को चैट में सुते लिख कब। देता हूँ। हाँ सर हाँ सर क्या शशि मैम बोल रही हैं? विकास सर कह रहे थे ना सुशेखर लंबा चलाना हो, मतलब हेडेक वगैरह केस में। तो मेरा ये कहना है कि जब कभी भी पेशेंट को हेडेक वगैरह लंबा हो रहा है तो एक बार पहले उसकी डिटेल हिस्ट्री ले लीजिए। डिटेल हिस्ट्री में कुछ भी उसका हेतु निकल सकता है, चाहे रात्रि जागरण निकलेगा, चाहे हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे चिंता वगैरह बहुत ज्यादा होगा। तो उसका जब तक रूट कॉज नहीं सॉल्व करेंगे सर, सिर्फ सुप देकर चलाने से काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि तो कितने दिन चलाएंगे? कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कहते हैं जी मुझे पूरी जिंदगी से ही सर दर्द रहता है। तो वैसे केसेस में ऐसा नहीं कि सर दर्द आप ऐसे सिंपली एलोपैथिक तरह ट्रीटमेंट करोगे सिम्टोमेटिक। आप उसकी डिटेल हिस्ट्री लीजिए और डिटेल हिस्ट्री के लेने के हिसाब से फिर मेद दवाएं हो सकता है कई बार देनी पड़ी, कई बार ग्रहणी दृष्टि में जहां पर प्रॉब्लम होगी वो देना पड़ेगा। नस्य करिए और शिरोधारा वगैरह या शिरोपिचु शिरोभ्यंग वगैरह। तो शिरोपिचु शिरोभ्यंग में ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, सिंपली ऑयल लिया है और कॉटन पर डाल करके स्पॉन्ज की तरह उसको रख देना है। तो उस तरीके से भी आप वो चीजें सारी करवाएंगे तब रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बहुत लंबा किसी मेडिसिन को चलाने का को कोई मतलब नहीं है। जी सर, मुझे ये और इतनी। कुष्ठ में हम लोग तो महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं, या हाँ खदीरारेस्ट के साथ दे सकते हैं, या कुष्ठग्रहण के क्वाथ के साथ दे सकते हैं, या चंदन के क्वाथ के साथ जो कुष्ठ पे काम करने, नीम के क्वाथ के साथ, या बहुत सारी चीजों के साथ हम दे सकते हैं। सर, आपने एक आरोग्यवर्धिनी का और बताया था ना कि जब SGOT SGPT को ठीक करना हो हाँ तो तुलसी सोरस और अदरक सोरस वगैरह के साथ में। हाँ हाँ जी सर, एक बार क्या हुआ कि एक मेरे पेशेंट थे बहुत बड़े, वो टीवी में आते हैं शंकर शर्मा, वो 1,500 करोड़ के मालिक है, तो उनकी बेटी को ये हो गया था, SGOT SGPT बढ़ गया था और उनका सेरेब्रल पाल्सी का ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने मुझे फोन किया कि बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में है और हम क्या करें, SGOT SGPT बढ़ गया है, इसको जॉन्डिस भी हो गया है और आईसीयू में, और कुछ बाहर का खा पी ली थी वो, तो क्या करें। तो मैं उस दिन सोचते सोचते सो गया, मुझे सपना आया कि तुलसी के स्वरस के साथ देना है, और वो सच में सपना सही हुआ। मैंने उनको कहा कि आप तुलसी का स्वरस दीजिए और 50 ml तक पिलाना है आरोग्यवर्धन के साथ, दिया और विद इन 4-5 घंटे के बाद ही SGOT SGPT नॉर्मल हो गया, पूरा जॉन्डिस का लक्षण कम हो गया। फिर ये चीज मैंने बहुत सारे लोगों में ट्राई किया, सभी का कम होता है आरोग्यवर्धनी बट्टी और तुलसी का स्वरस। वो मुझे सपना आया था और वो सच निकला सपना जी। और किसी को कुछ बोलना है? हम थोड़ा ब्रेक ले लें, फिर मिलते हैं 8:15 पे, जी सर, जी सर, ठीक है? फिर थैंक यू प्रणाम, फिर हम मिलेंगे। थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को।